जानते हैं आपको राजीव तलवार क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जानना चाहते हैं? बता दूं, बुरा नहीं मानेंगे। आप गांडू हैं, नामर्द हैं, बेशरम हैं और बेहया हैं। जो शेर होगा वही राजीव तलवार को समझ पाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपस में हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, हाँ आपस में हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, एक संदेश सुनाना है। आजमगढ़ की भोली जनता सुन लो, एक संदेश सुनाना है। 23 को जब घर से निकलो तब केवल टाफी का बटन दबाना है। हाँ हाँ, टाफी का बटन दबाना है। निर्दलीय निडर राजीव तलवार को लाना है, राजीव तलवार को लाना है। जय हिंद दोस्तों, राजीव तलवार जिंदाबाद। दोस्तों मैं सुमित दिव्यांग सुमित गुप्ता के नाम से चैनल है, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर आवाज उठाया है। राजीव तलवार जिंदाबाद। मैं यही गुजारिश करूंगा, कभी तो मैं गया नहीं हूँ यूपी, लेकिन राजीव तलवार जी अच्छा काम करते हैं, अच्छा बेचारा लड़ते हैं, एक मौका उनको देना चाहिए, शायद कुछ करे। जब दुनिया को एक मौका मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए। लाइक शेयर जम के करिए, जम के करिए, जम के करिए लाइक शेयर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मर्द बनिए, माता चौदह 135 करोड़ लोग मिलके एक मर्द पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इस चुनाव में भोसड़ी वाले अगर मोदी मिला मायावती को तुमने वोट दिया तो तू भोसड़ी वाला गांडू है। माधव चौधरी एक भी वोट पाने लायक भोसड़ी वाला कोई नहीं है। राजीव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजमगढ़ में एक भी वोट कोई पाने लायक नहीं है राजीव तलवार के अलावा। भोसड़ी वाले गांडू होगा कोई अगर किसी को वोट देगा। और राजीव भैया कहां से पसीना बहा क्या? धन्यवाद, ये जनता सिर्फ देखती है बस, खाली थैंक यू बस। चेहरा देखिए, अधिकारी हो तो आपकी तरह से सर। अधिकारी देखिए, बगल में बैठे हैं अधिकारी। वो तीनों लोगों से मिल चुका हूँ सर, आप आई लव यू सर, आई लव यू। डीएम ऑफिस आजमगढ़। वाकई अगर आप खबर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पत्रकारिता होती क्या है, पत्रकार होता क्या है, मोबाइल हथियार है या नहीं, तो मेरे रहस्यों को समझने का प्रयास करिए। वो ताकत, वो अमीरी किस काम की जो सही समय पे सही जगह यूज ना हो। भैया 100-500 रुपया देके कोई गरीब होगा? नहीं। तो आप किसी की अमीरी किस काम की? अगर राजू तलवार के भगत सिंह पैदा करने के लिए आपकी अमीरी काम ना है तो सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हैं जो राजू तलवार सड़क पर खड़ा है वरना छोड़ देता, शेर हैं आप जैसे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत जुटाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए 100 रुपये देके कोई गरीब नहीं हो जाएगा, देख लिए 100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं 15 साल से किसी दल को वोट नहीं दिया, क्योंकि मेरी निगाह में कोई दल ऐसा था ही नहीं जिसको मैं वोट करूँ, क्योंकि कोई जनता के बारे में सोचता ही नहीं, बस अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। मतलब राजीव तलवार को वोट देंगे आप? हाँ, मैं जानता हूँ ये आदमी नहीं जीतेगा, फिर भी मैं इसको वोट दूंगा। क्यों? जो जो शेर होगा वो राजीव तलवार को वोट देगा, और जो गीदड़ सपोर्ट कर रहे और जो गीदड़ होंगे वो मोदी मुलायम मायावती की गोद में जाके बैठेंगे। ये सब सही बात। मैं अब वो भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि मैं जेल चला जाऊं। ये एक भी सब एक ही थैली के चट्टे बढ़ते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, राजू तलवार की जो भावनाओं को नहीं समझ सकता उसका पढ़ना लिखना बेकार है, उसका मनुष्य होना बेकार है। मानव की जिंदगी में वो जानवर की जिंदगी जीता, जानवर की नपुंसक है साले सब नपुंसक। सिधारी, सिधारी पर खड़ा था और देखिए 100 रुपये देने के लिए तैयार होंगे। दीजिए भैया, भैया 100 रुपये देके गरीब हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये से गरीब हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार को पिज्जा खिलाएगा कोई शेर है? ये देखिए शेर मिल गया, एक पिज्जा खिला के गरीब हो जाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं। फिर भारतीय क्यों एक पिज्जा खिलाने में राजीव तलवार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? जा तो रहे हैं। आपने जुड़ा, बाकी लोग कब करेंगे? 100 साल में एक भगत सिंह ये लोग नहीं पैदा कर पाए। नहीं चाहिए पिज्जा इन लोगों का, बच्चे खिलाएंगे हमको एक दिन।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको एक दिन लाखों शेर मिलेंगे और भारत की धरती पर हम चमत्कार करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू टीवी देखिए, भगवान बनिए 100 साल में आप भगत सिंह। हाँ, लापिनोज पिज्जा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हिम्मत जुटाइए।